हैं सब। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में, मंजुला मिस शर्मा। तो कल की जो वीडियो देखी होगी आपने, मैंने अपनी रूटीन में डाली हुई थी जिस चीज़ को पसंद हुई, प्लीज़ आप सब्सक्राइब किया करो मेरा चैनल। जो भी मेरे नए जुड़ रहे हैं प्लीज़, मैं सबसे बार बार ये अभी कह रही हूँ, शायद आप लोगों को अच्छा भी नहीं लग रहा होना मैं बार बार हर चैनल में, क्योंकि हर बार मैं हर ब्लॉग में यही कहती हूँ कि सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो, क्योंकि मुझे तभी पता चलेगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो ही मुझे पता चलेगा कि मेरा जो है आप जो ब्लॉग है वो पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इससे मुझे भी, जैसे मैं कुछ आपको दिखा रही हूँ तो आप भी मुझे उसका जो रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा। इसलिए प्लीज़ मुझे बताया करो, कमेंट किया करो, अगर लाइक अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके लिखा करो। और आज मैं अपने रूम की सफाई बताऊंगी आपको। मेरा रूम बहुत गंदा हुआ है और मुझे जो है बड़े दिनों से टाइम नहीं लगता था कि मैं इसकी सफाई करूँ। तो मैं जो हूँ अभी दिन को बेबी को नहला के अभी सुला दिया उसको, तो अभी मैं सफाई करके बताऊंगी आपको कि मैं पूरे कमरे को कैसे साफ़ करती हूँ, कैसे दिन में टाइम निकाल के पूरा का दिन में, महीने में एक बार ही कर पाती हूँ मैं सफाई अच्छे से, नहीं तो मैं झाड़ू ही देती हूँ आजकल। अभी अभी मेरे से इतना काम नहीं होता, तो आज मैं सफाई कर रही हूँ और मैं बताऊँगी आपको कि मैंने अपना कमरा कैसे अच्छे से जो है क्लीन किया। तो दोस्तों मैं देखो सफाई करने लगी हुई, जो मेरा सोफ़ा है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गंद पड़ा रहता है क्योंकि मेरे बेटा पढ़ने भी यहीं ज़्यादा बैठता है और टीवी देखने भी यहीं बैठता है, तो इसको अच्छे से मैं झाड़ रही हूँ। और यहाँ जो होती है धूल वगैरह भी बहुत टाइम से जमी होती है। मेरी बेटी जो है पीछे रो रही है, तो प्लीज़ माइंड मत करना आप। और ये अकेले खेलती है बहुत ज़्यादा, अकेले खेलती भी रहती है, रोती है। मैं वैसे देखती हूँ इसको, पर अभी सोई नहीं है ये, तो इसको मैं तभी वो कर रही हूँ, खिला रही हूँ। अभी उठ गई है, सुलाया था मैंने इसको, उठ गई है। तो ये देखो कितने टाइम से टेबल भी ऐसा गंदा हो जाता है, मेरे से ज़्यादा होती नहीं है क्योंकि अभी मेरे घर में ऐसे काम वाले भी कोई नहीं है, अब मुझे ही करना पड़ता है। इसलिए मैं और काम से भी बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, इसलिए मेरे से घर की इतनी सफाई नहीं होती है। अभी इतनी धूल जमी होती है सारे घर में, तो मैं महीने के एक बार पूरा दिन लगा के जो है अच्छे से सारे घर की सफाई कर लेती हूँ। वरना मैं ऐसे सुबह जो है जल्दी जल्दी मैं झाड़ू और पोछा ही करती हूँ। और ये जो होते हैं टेबल वगैरह और जो जैसे सोफ़े की आर्म्स होती है, इनको साफ़ करने के इतना टाइम मेरे पास नहीं होता है, इसलिए मैं इतना नहीं कर पाती। तो आज मैं बड़ी डीपली सफाई करती हूँ। और देखो ये जो है, देखो अभी आर मैं देखो इस पर कितनी धूल जमी हुई थी और अभी अच्छे से चमक गया ये। तो ये घर के काम होते हैं, ये सबके घर में होते हैं, मुझे पता है सभी लेडीज़ का। इसलिए मैं डेली ब्लॉगर हूँ, इसलिए मुझे हर एक छोटी छोटी बातें जो है आपको बतानी पड़ रही है कि मैं क्या क्या काम करती हूँ घर में, ये मुझे डेली ब्लॉगर को हर एक को बताना ही पड़ता है। इसलिए मैं हर एक आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या काम करती हूँ, धीरे धीरे आपको सारा ब्लॉग शेयर किया करूँगी, सारा काम शेयर किया करूँगी जो जो मैं करती हूँ। इसलिए इसी के लिए मुझे जो कमरा था इसके लिए ही मुझे कम से कम 1.5-2 घंटे लग गया सफाई करने को ही, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था सफाई नहीं हुई थी अच्छे से। तो मैंने सबसे पहले तो मैंने इनको सोफ़ों को साफ़ किया, फिर उसके बाद ये हमारा छोटा सा बाथरूम अटैच बाथरूम है, ये मैंने पहले साफ़ कर लिया था। और उसके बाद जो था इसके शीशे के ऊपर भी धूल थोड़ी बहुत जमी हुई थी, तो मैंने उसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया। और टीवी के ऊपर वैसे तो मैं करती रहती हूँ, थोड़ा बहुत तो मैं झाड़ती रहती हूँ पर फिर भी रह ही जाता है ये। फिर इसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा कपड़ा मार दिया और जो टीवी ट्रॉली है इसको भी फिर मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। इसमें शीशे लगे हुए हैं, तो अगर इनको अच्छे से साफ़ नहीं करें तो इनको भी ऐसा लगता है जैसे धूल जमी हुई है। फिर तो जब इसके ऊपर कपड़ा मारा तो ये देखो कितने अच्छे से चमकने लगे। और ड्रेसिंग शीशा है, इसमें मैं अपना सारा सामान रखती हूँ अंदर जो लगे हुए हैं रैक, वैसे इसमें मेरा बहुत ज़्यादा सामान आ जाता है, इतना बड़ा ड्रेसिंग शीशा है ये, तो इसमें मेरा सारा जो है सामान आ जाता है। अभी मैंने यहाँ पे अलमीरा नहीं बनाई है, वो हम 1-2 महीने में अब काम लगा रहे हैं इस रूम में, तो इसलिए मैंने अभी ये जो है ड्रेसिंग शीशा अलग ही है अभी मेरे पास,
क्योंकि अभी हमने यहाँ का काम नहीं करवाया है। नीचे की मंजिल तो हमने अच्छे से बना ली है, लेकिन यहाँ ऊपर की मंजिल का भी हमें काम करने को बाकी रह गया है। यहाँ फिर हमारी अलमीरा बन जाएगी, तो ये ड्रेसिंग से सारा अटैच्ड हो जाएगा वहाँ पे। फिर मुझे इतना ज़्यादा अलग से इसको रखना नहीं पड़ेगा। फिर इसका सारा सामान मैंने रैक वगैरह अच्छे से बना लेने हैं। अगर आप लोगों के पास कोई अच्छी सी राय है कि कैसे बनाने हैं, तो अलमीरा वगैरह आजकल कैसी चली है, तो प्लीज़ मुझे बताना आप लोग कमेंट करके। अब मेरी सफाई अच्छे से हो गई, अब जो है मैंने इसमें सारे में पोचा भी अच्छे से लगा देना है। देखो ये बहुत भारी है वैसे ये सोफ़े, पर मैं फिर भी हिला ही लेती हूँ इनको। ये साथ में मेरा बेटा बहुत हेल्प कर रहा था मेरी, और अब मैं जो है पोचा लगाने लग गई सारे घर में। मैंने जो है उसमें फिनाइल साथ में मिलाई हुई थी, वो सारे घर में पहले छिड़क दी थी अच्छे से पानी के साथ मिला के उसको, और उसके ऊपर फिर मैं पोचा लगाने लग गई। फिर इसको अच्छे से पोचा वगैरह लगा के फिर जो है मुझे, क्योंकि कमरे की सेटिंग करनी थी चेंज थोड़ी सी, तो वो भी करनी थी, तो वो साथ में ही की मैंने। इसके पहले इतना थोड़ा ही पोर्शन मैंने पोचा लगाया, जितना जो मेरा हॉल है, ये बहुत बड़ा रूम है ये मेरा, तो इसमें पोचा झाड़ू लगाने में बहुत टाइम लगता है, 1-1.5 घंटा लग जाता है, क्योंकि ये बड़ा रूम है, इसमें जाले वगैरह साफ सब कुछ करना पड़ता है, तो सारा काम के लिए टाइम बहुत लगता है। अब देखो मेरा रूम ये साफ़ हो गया। अब बता रही हूँ मैं कैसा बना सेटिंग की मैंने। मैंने वहाँ से टेबल चेंज कर दिया इधर को, और ये सोफ़ा इधर लगाए, और वहाँ ड्रेसिंग शीशा चेंज कर दिया। ये देखो अब मैंने इधर को सोफ़े कर दिए साइड में। अब कैसा लग रही है आपको मेरा रूम, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना आप। अब बहुत क्लीन कर दिया मैंने वैसे, जितनी जो मेरी पास मेहनत थी वो सारी लगाई मैंने आज, और अच्छे से क्लीन कर दिया। आप सोच रहे होने बेबी काम पे है, तो वो मैंने अपने बेटे के रूम में सुला दिया था उसको, और वो सोई हुई थी, और मैं तब तक पूरा काम करने लग गई। और इसके बाद जो था मुझे आटा गूंदने को था, फिर मैं शाम के लिए, अभी दिन के 1 बज रहा है, 1 बजे फ्री हुई मैं, उसके बाद मुझे आटा गूंदने को था, फिर मैं आटा गूंदने गई। उसके बाद जो है मैं थोड़ी देर जो है ऐसा करती हूँ कि आटा गूंद लेती हूँ, फिर थोड़ा सा गूंदती हूँ, फिर मैं इसको रख देती हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद जो है इतना जोर नहीं लगता, फिर अच्छे से ढीला हो जाता है आटा, और उसको इतना अच्छा हो जाता है, देखो मैंने कितने जल्दी फिर वो पक जाता है। उसके बाद जो है मेरा बेटा बोलने लगा कि भूख लग रही है, तो मैंने फिर उसके लिए सेमियां बनाई, और फिर मुझे भी भूख लग गई थी, फिर मैंने अपने और उसके लिए सेमियां बनाई, और साथ में हमारे घर में कोई मेहमान भी आए हुए थे, मैंने उनको भी सेमियां बनाई। हम 4 लोगों के लिए मैंने सेमियां बनाई, और वो जो थी मेरी बेटी भी उठ गई थी, तो मेरा बेटा उसके पास चला गया था, इसलिए मुझे साथ में कैमरा लेके जो थी वीडियो भी बनानी पड़ रही थी, और साथ में जो थी ये भी बनानी पड़ रही थी, सेमियां भी बनानी पड़ रही थी। ये सेमियां मुझे आंगनवाड़ी में मिली हुई है। आंगनवाड़ी में आपको पता है अभी बेटी छोटी है, तो वहाँ से राशन आता है, तो उन्होंने ये सेमियाँ दी है। आजकल वहाँ से राशन बहुत अच्छा अच्छा मिल रहा है, तो मैंने भी यूज़ किया, तो मुझे लगा अच्छी लगी ये घर के आटे की सेमियाँ, अच्छी बनी, अच्छी बहुत अच्छी थी। हमने खाई, बहुत टेस्टी जो सेमियाँ थी। अब देखो ऐसे थोड़ी सी मैं इनको ब्राउन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ ताकि ये अच्छे से पक जाए। फिर मैं इसमें जो है दूध मिला देती हूँ और चीनी मिला देती हूँ। मैंने थोड़ी शक्कर मिलाई थी इसमें, क्योंकि चीनी मैं थोड़ी कम ही खाती हूँ, तो मैंने थोड़ी शक्कर मिलाई थी इसमें, और देखो ब्राउन हो गई है, और ये पक भी जल्दी जाती है। फिर उसके बाद मैंने जो वहाँ का दूध मिला हुआ था, वो क्या बोलते हैं आंगनवाड़ी का दूध मिला था, वही मिलाया साथ में, मैंने दूसरा दूध नहीं डाला था, क्योंकि उस दूध से जो टेस्ट आता है, वो जो आंगनवाड़ी का दूध होता है उससे अलग ही टेस्ट आता है। वो बहुत टेस्टी बनी थी सेमियाँ। उसमें ड्राई फ्रूट भी डाल दिए थे मैंने, और थोड़ी सी चीनी डाल दी थी, क्योंकि शक्कर इतना अच्छी मीठी, इतना ज़्यादा मीठा नहीं करती है, थोड़ा कम ही मीठा होता है उससे, तो थोड़ी सी चीनी भी डाली थी मैंने। अब मैंने इसमें फिर इसमें मैंने दूध डाला, ई पाउडर दूध मैंने कप में मिला के रखा हुआ था, और फिर देखो कितना अच्छे से गाढ़ी गाढ़ी बनी, और
गेस कर लो। मैं सेमिया बना रही थी, उस टाइम मेरे मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी, तो मैं आपको पूरी वीडियो वो बता नहीं पाई, इसके लिए सॉरी। और अब मेरी जो वीडियो है बहुत बड़ी बन गई है, इसलिए आप प्लीज़ मेरा, मैं सिर्फ एक ही बात बोल रही हूँ सभी को कि अगर मेरी मेहनत आप किसी को भी पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो और लाइक कर दिया करो मेरे चैनल को, क्योंकि आप लोग, मैंने देखा इस मोबाइल पे 98 जो परसेंट जो लोग हैं वो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और कुछ ही परसेंट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो प्लीज़ आप जब चैनल में मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करो साथ में, ताकि मैं आपको नया नया ब्लॉग अपना देती रहूं और मेरा नया नया ब्लॉग आप देखते रहो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट, शेयर, तभी तो नए नए लोग जो है देखते रहेंगे। और आइकन जो होता है बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाया करो, ताकि सबसे पहले आपके पास मेरी जो है ब्लॉग पहुंचे और आप सबसे पहले उसको देखें। थैंक यू, बाय।